आई एम अनसिविलाइज्ड। अरे ये क्या, ये किस जनाब की गाड़ी है और इस पर ये क्या लिखा है, एक बार फिर से देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई खुद को अनसिविलाइज्ड कैसे कह सकता है, वो भी इस तरह सरेआम गाड़ी पर पोस्टर चिपका करके। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, इससे पहले हम आपको इस गोलमाल का सच बताते हैं। ये गुड़गांव पुलिस की एक नई मुहिम है। साइबर सिटी में यातायात को दुरुस्त करने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया गया है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो यहाँ वहाँ सड़कों पर अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, जिससे बाकी लोगों को झेलनी पड़ती है मुसीबत और कई बार तो जाम के हालात बन जाते हैं। फिर क्या था, गुड़गांव पुलिस ने निकाली नई तरकीब और रूल्स तोड़ने वाले लोगों को शर्मिंदा करने के लिए उनकी गाड़ियों पर चिपका दिया आई एम अनसिविलाइज्ड। हमने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चलान नहीं करेंगे, चलान करेंगे, लेकिन पहले हम ये सोच रहे हैं कि इनको एजुकेट किया जाए, इनको समझाया जाए, शायद हमें चलान की जरूरत ना पड़े। हालांकि पहले पुलिस के जवान अक्सर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालक का चालान काट दिया करते थे, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब गुड़गांव पुलिस की नई कोशिश का असर लोगों पर पड़ रहा है। एमजी रोड पर नो पार्किंग एरिया में कार खड़ी करने वाले चालकों ने अपनी गलती मानी और कभी भी ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ने का वादा किया। ये गलत है, नो पार्किंग में लगाना नहीं चाहिए, लेकिन गलती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन ये जो आपको लगाया है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ संतुष्ट है। आगे से लगाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए। खुद आपकी गाड़ी पे भी लगाया है? ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, जो हमारी गलती है तो लगाए। यकीनन गुड़गांव पुलिस के इस पहल की दाद देनी पड़ेगी। नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ गुड़गांव पुलिस की इस मुहिम का वाहन चालकों ने स्वागत किया है, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि ये मुहिम कितनी कारगर होगी और लोग कितना सजग होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फोकस हरियाणा के लिए गुड़गांव से संजय खन्ना की रिपोर्ट।